हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये शेयर हमारे चैनल पे रेकमेंड हो रहा 200 से 200, ये लेवल से हमने जो ब्रेकआउट पकड़ा था, पीछे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। हमने ये शेयर आइडेंटिफाई किया था 164 पे भी बोला था इसे ले लो, 200 पे भी बोला है ले लो, और 230 पे भी बोला था ले लो इसे। 230 तो प्रॉपर ब्रेकआउट था, इस लेवल पे भी बाइंग बोला था। फिर ये शेयर कंसोलिडेशन लेवल में चला गया और अभी देखा जाए तो वो वहां से डबल हो चुका है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है हमें ऑलरेडी। यहां से भी अगर किसी को अच्छा लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का है। आपने अगर गूगल पे सर्च किया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बसेस तो ये इसके बसेस आपको दिखेगी। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सी है, तो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ से अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 390 का। 390 ये लेवल से आप इसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में होल्डिंग करके चल सकते हो। ये शेयर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अभी बीते ट्रेडिंग सेशन में तो ये अपर सर्किट में लग गया, पर एक बात याद रखो ये ASM लिस्ट में है ये शेयर, फिर भी अपर सर्किट लगे जा रहा है। इसमें मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी, पर जैसे ही ASM लिस्ट से निकलेगा ये शेयर आपको बहुत तगड़े रिटर्न देगा। अभी जिन्हें फ्रेश एंट्री लेनी है उन्होंने 490 के स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकते हो, पर मैं कहूंगा जिनके पास पोजीशन है उन्होंने 490 का स्टॉप लॉस भी लगाया तो भी चलेगा, या जिनको नया बाय करना है उन्होंने भी 490 के स्टॉप लॉस से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में बाइंग करनी है। अगर आप ईवी बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आगे फ्यूचर पॉजिटिव देखते हो तो ये शेयर आपके लिए, इसमें आप बाइंग करके चल सकते हो।